अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उस शेप के अंदर हम किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर को उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें आप हमारे पास और कौन से मजीद ऑप्शन मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले हम एक शेप को इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से रेक्टेंगुलर को ही दोबारा से इंसर्ट करते हैं और हमारे पास शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। उसके बाद हमारे पास, हमने टेक्स्ट बॉक्स डिस्कस किया था, इसके ऊपर ही हमारे पास एक ऑप्शन आती है एडिट पॉइंट्स या पॉइंट्स के नाम से। तो उससे पहले ना हम इसका शेप को, स्टाइल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले इसके ना शेप के जो कलर्स वगैरह ना या इसकी स्टाइल वगैरह वो हम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कि हम ये येलो ले लेते हैं, देन हम इसके एडिट पॉइंट्स में चलते हैं और यहाँ से हम एडिट पॉइंट्स पर चलते हैं। अब जैसे ही हम एडिट पॉइंट्स को ओपन करेंगे तो हमारे ये साइड्स के सारे जो डॉट्स या कर्सर आप इनको बोल रहे हैं, ये सारे ब्लैक आउट हो चुके हैं, इनका कलर जो ब्लैक में चेंज हो चुका है। अब हम किसी भी पॉइंट को यहाँ तक पकड़ के उसे ड्रैग करते हैं जहाँ पे हमने अपनी शेप को चेंज करना है, जहाँ से हम अपनी शेप को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी शेप उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब इस पॉइंट के साथ ही आपको इनके डॉट्स कर्सर मिल जाएंगे जहाँ से आप इनको उसको पकड़ के ड्रैग करके अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए इसमें। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे कोई पॉइंट ऐड करने हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है, तो आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके आए, राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड पॉइंट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड हो चुका है, आप इसको यहाँ से ड्रैग करें और अपने कर्सर के साथ इसको जहाँ पर एडजस्ट करना है आपने वो एडजस्ट कर लें। देन अगर हमें कोई पॉइंट डिलीट करना हो इस शेप में से, तो हम पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से डिलीट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें किसी पॉइंट का पैथ ओपन करना हो तो हम उस पॉइंट के ऊपर कर्सर लेके आएंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके ओपन पैथ करेंगे। अब जो दोनों हमारे अब जो पॉइंट्स हैं वो दो पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अब यहाँ से हम अपने पॉइंट्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए। तो ये तो थे इसके पॉइंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इसके शेप फिल और शेप अलाइनमेंट्स इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।